दोस्तों, अगर आप एक ब्लॉगर हो तो आपको जरूर पता होगा कि HTF वगैरह कितना ज़्यादा महंगा होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप HTF के सारे फीचर्स जो है आप फ्री में यूज़ कर सकते हो। तो बस, लेकिन मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा बात बताता चलूँ कि इसके अंदर आपको एक छोटा सा लिमिटेशन मिलेगा, यानी कि आप अपने वेबसाइट के ऊपर जो है HTF का सारा फ्री प्लान यूज़ कर सकते हो। जो भी पेड प्लान है वो आप फ्री में यूज़ कर सकते हो, जो दूसरे कॉम्पिटिटर वेबसाइट्स के लिए नहीं कर सकते हो। तो बढ़ते हैं वीडियो में। बाकी चैनल पर आओ तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, इस घंटी के आइकन को दबा के, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दे। तो चलिए बढ़ते हैं। तो आपको जो है नेट पे सर्च कर लेना होगा HTF वेबमास्टर टूल। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ से भी फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर आपको क्या क्या फ्री में फीचर्स मिल जाएंगे। जैसे आप साइट ऑडिट कर सकते हो, साइट ऑडिट में आपको ऑन पेज SEO मिल जाएगा, बैकलिंक्स में अगर कोई इशू है तो वो आपको मिल जाएगा। बाकी आपको A to Z जितना भी इशू होगा आपको वो ऑडिट सेक्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर फीचर की बात कर लूँ तो इसमें आपको जो है कीवर्ड्स आप चेक कर सकते हो कि किस कीवर्ड पे आपका वेबसाइट रैंक किया हुआ है, कौन से कीवर्ड पे आपका जो है एक्चुअल वेबसाइट प्रॉपर रैंक किया हुआ है, और साथ ही साथ आपको किस कंट्री में आपने रैंक कर रखा है और कौन से पोजीशन पे आप रैंक कर रहे हो, ये सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा। बाकी तीसरे फीचर्स की बात कर लूँ तो इसमें आपको जो है आपको कितने बैकलिंक्स मिले हुए हैं वो आपको बता दिया जाएगा, आपको जो है बैकलिंक कहाँ कहाँ से आ रहे हैं ये भी आपको बताया जाएगा। तो आपका एक बेसिकली साइट का डायरेक्शन पता चल जाएगा, किस तरह का डायरेक्शन आपके साइट में मिला हुआ है। तो उसको आपको लेने के लिए सिंपली आपको साइन अप बटन पे क्लिक कर लेना होगा। अगर आपने पहले से अकाउंट बना रखा है तो आप लॉगिन भी कर सकते हो, नहीं तो आप साइनअप भी कर सकते हो। तो फटाफट हम लोग जो है इस पर लॉगिन कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों का अकाउंट जो है पहले से बना हुआ है। अब यहाँ पे पहले तो आप प्राइसिंग वगैरह भी देख सकते हो कि अगर आप पेड परचेज करोगे तो आपको और भी एक्स्ट्रा फीचर्स मिल सकते हैं बाकी, लेकिन इसके प्राइसिंग थोड़ी हाई है। बट हम अभी इस वीडियो में फ्री भी आपको बताएंगे, तो फ्री वाला आप चेकआउट करो। इसके बाद आपको सिंपली जो है सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट ऐड करना होगा। तो प्रोजेक्ट आप दो तरीके से कर सकते हो, इंपोर्ट फ्रॉम GSC या फिर ऐड मैनुअल कर सकते हो। तो चलिए हम लोग मैनुअल ही करके देख लेते हैं, क्योंकि मैनुअल जो है थोड़ा ईजी होता है। तो जैसे ही आप ऐड मैनुअल पर क्लिक करोगे तो आपको जो है एक नए पेज पर ले जाया जाएगा। इस पेज पर अपने वेबसाइट का नाम दे दे, प्रोजेक्ट का नाम दे दे, और फोल्डर अगर आपको देना है तो आप दे सकते हो जहाँ पर आपका सारा डेटा सेव होगा। तो फटाफट जो है ये सारा डिटेल्स हम लोग जो है फिल आउट कर लेते हैं। फिल करने के बाद जो है आप यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे जो है क्लिक कर दें। कंटिन्यू के बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपने जो भी साइट दिया था उस साइट का जो है ऑनर वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, यानी कि वो साइट आपका ही आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे आपको टोटल चार ऑप्शन मिलेंगे, DNS रिकॉर्ड, HTML फाइल, HTML टैग एंड गूगल सर्च कंसोल। तो DNS रिकॉर्ड की बात कर ले तो इससे भी आप वेरीफाई कर सकते हो। ये सारा कोड आपको जो है कॉपी करके आपको अपने डोमेन के DNS में जाके TXT फाइल में ये सारा रिकॉर्ड सबमिट करना होगा। वहीं अगर HTML फाइल की बात कर ले तो आप अपने साइट का HTML फाइल डाउनलोड करके आप यहाँ पे इसे जो है अपलोड कर सकते हो। वहीं अगर तीसरे अगर ऑप्शन की बात कर ले तो HTML टैग है, यहाँ से इस टैग को कॉपी करके आपको जो है हेड और बॉडी के बीच में आपको वहाँ पेस्ट करना होगा, एंड देन सेव करने के बाद आप यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर सकते हो। बाकी अगर सबसे बेस्ट रिकमेंडेशन है तो गूगल सर्च कंसोल है। गूगल सर्च कंसोल में जो है आपको यहाँ पर वसी अकाउंट से आपको यहाँ पे लॉगिन करना है जिससे आपका गूगल सर्च कंसोल बना हुआ है और आपने जिस पे अपना ये वेबसाइट जो है डाल रखा है। तो मुझे भी सबसे ज़्यादा इजी यही लगता है, तो फटाफट जो है मैं इसके थ्रू जो है अपना ऑनरशिप जो है वेरीफाई करता हूँ। इसके बाद मैं आपको ये बता, तो ऑनरशिप वेरीफाई करने के बाद आपको जो है शेड्यूल करना होगा कि आपका साइट का ऑडिट आपको कब ये रिपोर्ट दे दे। तो आप यहाँ पे वीकली, डेली या फिर आगे भी सिलेक्ट कर सकते हो, कौन से डे कौन से टाइम पे। तो ये सब सिलेक्ट करने के बाद आप फिनिश पे क्लिक कर दे। फिनिश पे क्लिक करने के बाद आपको आपका जो वेबसाइट यहाँ पे दिख जाएगा। अब आप यहाँ से वो सारे टूल्स का एक्सेस कर सकते हो जो भी टूल्स मैंने आपको बताए हैं। अब अगर आपको कम्प्लीटली टूल कैसे यूज़ किया जाए तो उसके लिए फिर अब मैं इसका नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे और उस घंटी के आइकन को भी दबा दे ताकि कोई भी वीडियो जो आपसे मिस ना हो। तो मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Let's fall in love. I won't let.